इधर रायबरेली का भी रुख कर लेते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, सुबह से लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और चूंकि रायबरेली हमेशा से हॉट सीट रही है, भले ही यहां से सांसद हो सोनिया गांधी, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा में नहीं मिलता आया है। दो सीटें थी, जो दो सीटें जीत के कांग्रेस 2017 में आई थी, उनके विधायक भी अब बीजेपी का रुख कर चुके हैं। तो आज अदिति सिंह के जाने के बाद, जो जाहिर तौर पर मुकाबले पे सभी की निगाह थी, दिलचस्प तो मुकाबला रहा होगा, लेकिन कितना आसान और कितना मुश्किल अदिति सिंह के लिए, ना सिर्फ रायबरेली सदर की बल्कि आप सारे समीकरण भी हमें रायबरेली की 6 सीटों के भी बताएं। जिस तरीके से आज का मतदान हुआ है, सबसे पहले मतदान की बात कर ले तो 2017 में 63.48% मतदान हुआ है, वही 2022 का जो विधानसभा का जो मतदान हुआ है तकरीबन 61% हुआ है। तो मतदान के परसेंटेज में कुछ कमी जरूर आई है, 5% की कमी आई है। अगर बात करते हैं रायबरेली के रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस के सांसद सोनिया गांधी की वजह से रायबरेली हमेशा रायबरेली कांग्रेस के विधायकों से भरी रही है, लेकिन 2012 के बाद से कांग्रेस एकदम डिफीट खाती गई है। भाजपा 2017 में अदिति सिंह कांग्रेस से चुनाव जीती और हरचंदपुर से राकेश सिंह चुनाव जीते, 2 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन दोनों ही विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हो गए, भाजपा से उम्मीदवार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियां हैं या उनसे विधायक या नेता नाखुश नजर आ रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब बात करते हैं अदिति सिंह के चुनाव की। 2017 में जब अदिति सिंह चुनाव लड़ी थी तो उनके ऊपर उनके पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह का हाथ था, क्योंकि 3 दशकों से लगातार रायबरेली की सदर विधानसभा की सीट किसी पार्टी विशेष की सीट नहीं बल्कि अखिलेश सिंह के नाम से जानी जाती थी। 2022 में अदिति सिंह भाजपा से प्रत्याशी है और फिर से मैदान में, लेकिन अखिलेश सिंह का निधन हो जाने के कारण इस बार अदिति सिंह के लिए सदर की सीट कोई आसान नहीं होगी, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगी हुई है। अदिति सिंह को इस बार राह में आसानी नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी आशीष हम तक पहुंचाने के लिए। तो रहा आसान अदिति सिंह के लिए अभी भी नहीं है, भले ही वो बीजेपी में शामिल हो गई हो।